आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो राजस्थान में स्कूलों का समय बदलेगा, अब 16 अक्टूबर से शिक्षा निदेशक ने जारी किए हैं आदेश। राजस्थान में सरकारी स्कूलों का समय जो है पहले की भांति यथावत रखा गया है, अर्थात सभी स्कूल जो है 15 अक्टूबर तक सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक ही संचालित होंगे। वही संबंध में शिक्षा निदेशक कानाराम ने शनिवार रात को आदेश जारी किया है। आदेश में सिवरा पंचांग में संशोधन करते हुए बताया है कि गर्मी को देखते हुए स्कूलों का समय जो है सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा, जबकि आमतौर पर 1 अक्टूबर से एकल पारी स्कूलों में समय जो है 9 बजे से 4 बजे तक होता है। वही गर्मी को देखते हुए 15 अक्टूबर तक यथावत रखने का आदेश जारी किया गया है। अब 16 अक्टूबर से विद्यालयों के समय में परिवर्तन जो है वो किया जाएगा। वही गर्मी को देखते हुए शिक्षक संगठनों ने स्कूलों के समय को यथावत रखने की मांग की थी। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में पहली बार घर से मतदान कर सकेंगे वोटर्स, चुनाव आयोग ने खास की है तैयारी। राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसे लेकर मुख्य चुनाव जो आयुक्त है राजीव कुमार, उन्होंने प्रदेश में चुनावी तैयारियों की समीक्षा जो है वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग राजस्थान में मतदान में आसानी और मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के साथ ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आयोग की समीक्षा जो है आयोग के समक्ष जो है लोगों के जरिए मतदान अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव भी यहाँ पर नहीं है। वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उन्होंने यहाँ पर कहा है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अखबार के विज्ञापनों के माध्यम से आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी देनी होगी। वही राजनीतिक दलों को उम्मीदवार चुनने के अपने कारण को भी यहाँ पर बताना होगा। वह मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो है राजस्थान में पहली बार बुजुर्ग मतदाताओं और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले लोगों के लिए घर से वोट डालने की सुविधा जो है होगी। बात अब करते हैं अगली खबर की। राजस्थान में कमजोर पड़ा है मानसून, अगले 5 दिनों तक शुष्क रहेगा मौसम। राजस्थान में मानसून की वापसी होने के साथ ही बारिश का दौर थम गया है, लेकिन कहीं कहीं छटपुट बूंदाबांदी हुई है। इसके साथ ही ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहा है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक राज्य में मानसून जो है धीरे धीरे सभी क्षेत्रों से लौट रहा है। इसका सीधा असर जो है जयपुर समेत अलग अलग जिलों के मौसम की स्थिति पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अब अक्टूबर में सुबह और रात में थोड़ी ठंड का एहसास लोगों को होने लगा है, लेकिन दिन के समय जो है धूप होने से पारा चढ़ गया है, जिससे गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। जयपुर मौसम केंद्र के ताजा अपडेट के मुताबिक उदयपुर संभाग में छटपुट हल्की बूंदाबांदी के आसार जताए गए। हालांकि राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मौसमी जो हवा है उसके बदले सिस्टम की वजह से बारिश के आसार ना के बराबर है। उदयपुर के अलावा राज्य के बाकी सभी भागों में मौसम शुष्क रहेगा। वही आज से आगामी 4-5 दिन तक राज्य के सभी स्थानों पर मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है। बता दें आपको कि राजस्थान में 25 साल बाद इस बार अगस्त में सबसे कम बारिश हुई है। इस बार पूरे महीने में 80% कम बारिश अगस्त महीने में हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 117 सालों में ये तीसरा सीजन है जब अगस्त में सबसे कम बरसात हुई है। लेकिन राजस्थान में अगस्त में औसत बारिश 155 mm होती है, लेकिन इस बार 30 mm ही हुई है। अन्य लोगों के प्रभाव से अगस्त में स्थिति बिगड़ गई। ऐसा ठीक यहाँ पर हाल सितंबर महीने में भी रहा है।